मम्मम का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, मम्मम ठीक हो जाए फिर से आप लोगों को वीडियो को देखने में वीडियो में मिलेगा देखने को। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी डॉट राहुल, और आज मेरी मम्मी बनाने वाली है पुलाव। पुलाव और चिकन, चिकन हम बनाएंगे और पुलाव मम्मी बनाएगी, तो हम दिखाते हैं मेरी मम्मी कैसे पुलाव बनाती है, ठीक है। तो ये मम्मी दे रही है चावल, चावल मम्मी धुल ली, उसके बाद थाला में सुखा ली क्योंकि बहुत, नहीं तो गीला गीला हो जाता है। और आज मम्मी बना रही है पुलाव, यम्मी यम्मी खाना, आज मज़ा आएगा डिनर में। अभी दे रही है मम्मी दही, सॉरी सॉरी दही नहीं, क्या है, हल्दी, हल्दी दे रही है मम्मी। मम्मी हल्दी अमेरिका से लाई है बोल रही है। अभी मम्मी दे रही है उसमें दही, अभी मम्मी दे रही है आदि, जो कि अभी हम ही पीसे है। हम मम्मी का हेल्प करते हैं, थोड़ी माँ हेल्प है, सो ऑल पे गोल्ड नहीं नहीं मैं अकेला थी हूँ। मम्मी को किसी का हेल्प की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। क्या बो, क्या एक गाना है ना, वैसे बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग बना के देख सकते हो, और मम्मी का हाथ का तो टेस्टी बनेगा ही। ये रेसिपी आप लोग घर पे ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मम्मी इसमें दे रही है घी, झरना घी। मम्मी को चे नहीं मिला, चम्मच नहीं मिला, तो मम्मी इसमें चाकू से काम चला रही है। देखो घी देने से एक अच्छा सा स्मेल आता है, और अभी इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा, इसका एक कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको मिलाना पड़ेगा। तो मम्मी इसमें घी गरम की है, और अभी दे रही है काजू किसमिस, इसको भूंजेगी मम्मी अभी। ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मम्मी इसको उतार देगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी भूंज ली काजू किसमिस ब्राउन करके, तो इसमें गरम करके इसमें दे दी मम्मी घी, और थोड़ा ज़्यादा ही घी दी मम्मी क्योंकि इस घी से ही चावल को, मम्मी देगी खड़ा गरम मसाला और उसको भूंजेगी अच्छे से। वाह बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है। अभी मम्मी डाल दी चावल, और चावल को अच्छे से फ्राई करेगी जब तक चावल ना भून जाता है। चावल भूनने के बाद मम्मी साइड में पानी गर्म कर रही है, वो गर्म पानी देगी क्योंकि ठंडा पानी देने से थोड़ा गीला टाइप का हो जाता है, शायद मम्मी बोली, तो मम्मी इसमें गर्म पानी देगी। लगता है क्योंकि तीता, तो हम लोग अभी चिकन बनाएंगे तो चिकन तो तीता हो गई, तो मीठा पुलाव अच्छा लगता है। ये है नमक, तो और मम्मी नमक अभी नहीं दी, मम्मी बोली कि चावल डालेंगे तब देंगे, सॉरी पानी डालेंगे तब देंगे, तभी नमक से ही इसको चला रही है मम्मी।
नमक से नहीं चला रही है, कलछुल से चला रहे और नमक दे के चला रही है। अभी शायद इसमें मम्मी देगी पानी और बहुत अच्छा स्मेल निकला है। लेकिन मम्मी अभी चीनी भी दे दे रही है, देखो मम्मी बोल रही है अभी दे देते हैं चीनी। पुलाव थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। क्योंकि मीठा पुलाव बहुत टेस्टी होता है और चिकन बनाएंगे तो उसमें तो तीता हम लोग देंगे, तो मीठा पुलाव और तीता तीता चिकन मज़ा आ जाएगा आज खाने में। फिर इसको मम्मी चलाएगी और वहाँ पे गर्म पानी हो रहा है, गर्म पानी दे देगी। उसके बाद थोड़ा ढक ढक के इसको बनाएगी मम्मी। तो चलो ये बनने तक इंतज़ार करते हैं। आउच, मम्मी का हाथ लग के मेरा कैमरा हिल रहा है। तो मम्मी पानी दे रही है तो हम आपको पानी का परिमाण बताते हैं। अगर एक कप चावल ले रहे हो तो वही कप का दो कप पानी देना है, और अगर वही कप में दो कप चावल ले रहे हो तो वही कप में चार कप पानी देना है, बस इतना ही। मम्मी का पुलाव और अभी हम नहीं दिखाएंगे, खाना खाने के टाइम दिखाएंगे क्योंकि सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। हम आप लोगों को बता भी दिए कि कैसा कैसा बनता है और ऐसा बन गया, कंप्लीट हो गया। वैसे करके आप लोग बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है और मेरी मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो चलो जब खाएंगे तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी हम बनाएंगे मुर्गा, उसका रेसिपी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका रेसिपी सभी को आता है, वो हमसे अच्छा से आता है तो उसलिए वो नहीं दिखाएंगे। तो पुलाव का रेसिपी कैसा लगा बताइएगा, बाबू आएगा उसको टेस्ट करवा के बताएंगे कि कैसा लगा। हाँ, मतलब टेस्ट कैसा था, वो पहली बार खा रहे हैं मम्मी के हाथ का पुलाव। अभी हम बना रहे हैं चिकन और मम्मी रेसिपी नहीं दिखाएंगे क्योंकि शायद ऐसे चिकन का रेसिपी तो सब कोई सेम करके बनाते हैं, क्योंकि कोई कोई अलग बनाता है जिसका स्पेशल होता है। मेरा कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, हम सबके तरह आधी लहसुन प्याज टमाटर से ही बनाते हैं और गोटा गरम मसाला से, तो इसलिए हम नहीं दिखा रहे आप लोगों को। आप लोगों सब आता ही है, आप लोग हमसे अच्छा बना लेते हो तो हम उसे बना रहे। जिसको नहीं आता बिल्कुल भी हमको कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट आप लोगों को चिकन का रेसिपी बना के बताएंगे हम कैसे बनाते हैं। नॉर्मली बनाते हैं तो बताएं, तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो चलो बना के खाने के टाइम जब बाबू टेस्ट करेंगे ना तो बाबू से बताएं, पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, बाबू ने खाना स्टार्ट कर दिया। हम पूछ रहे कि कैसा बना है। मम्मी ने बनाई है पुलाव और आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, हम जैसे दिखाया है पुलाव का रेसिपी, बहुत मज़ा आ जाएगा। और अब ये खाना स्टार्ट कर दिया था तब हमको याद आया, अरे वीडियो बनाना था, इनको पूछना था। तो और कुछ बोलना चाहते हो आप? बहुत टेस्टी बना चिकन और पुलाव दोनों। मेरा पापा को देखो, अभी तक हम लोग नहीं खाए, आज पापा हम मुर्गा बनाए, पापा खाएंगे, पापा खाने बोलेंगे मुर्गा कैसे बनाएंगे। कल रात में जब हम लास्ट क्लिप बनाए थे उसके बाद से व्लॉग बनाना बंद कर दिए थे क्योंकि मम्मा का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था और अच्छा नहीं लगता ना, एक बच्चा हमेशा मतलब खेलते रहे सुबह से अचानक से तबीयत उसका ख़राब हो जाए, अच्छा नहीं लगता। कल सब हॉस्पिटल में दौड़ा था और अभी भी उसका तबीयत ख़राब है और मतलब बच्चा है, हम लोग तो बड़े हैं तो हम लोगों को अगर कुछ भी होता तो हम लोग भी इतना मतलब झिमा जाते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता। तो वो तो बच्चा, उसको तबीयत ख़राब है तो वो कैसे झेल रही होगी वो सब। तो उसको थोड़ा सा उल्टी वगैरह हो रहा था, नाक मुंह से उल्टी हो रहा था और थोड़ा सा लूज मोशन भी हो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ वो। लेकिन बाहर का खाना उतना खाता नहीं है, हम लोग उसको बाहर का खाना नहीं देते हैं, घर का ही खाना खाता है। और वो यहाँ पे ही आती है और उसकी मम्मी पास ही रहती है, वो बाहर जाते बहुत कम। कल जब हम आप लोग को क्लिप दिखा रहे थे, बीच में उसका एक क्लिप दिखा रहे थे
उसमें उसका थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं लग रहा था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रही है बेवजह, वो हमेशा इतना नहीं रोती है। उसके बाद पापा उसको बाहर घुमाने लेके गए, तो मेरा जो सिस्टर है वो वहाँ से मामा को गोदी में ली, फिर पापा घर पे आ गए। फिर कुछ देर बाद जब बाबू को हम खाने दे दिए, खाना खाने दे दिए, उसके बाद पता चल रहा है कि मामा का तबीयत ख़राब हो गया, तो मेरे पापा वहाँ से तुरंत उठ के गए था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में वही बोले कि शायद फूड पॉइजन, पता नहीं हमको ये तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं खाने देने बाहर का, ना बिस्किट ना दूध, कुछ नहीं खाने देने बोला, बोले कि बस जीरा झोल टाइप का कुछ करके देने, और नहीं तो पानी से चावल खिलाने, मतलब ऐसे ही टाइप का, कोई बाहर का चीज़ नहीं, उसको शायद कुछ सूट नहीं करता, पता नहीं क्या। तो वो आज तो नहीं आएगी, कुछ दिन नहीं आएगी, क्योंकि उसका जब तक पूरा पूरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है वो तब तक नहीं आएगी, और मन भी नहीं लगेगा। कल से उसको देखने का इतना मन कर रहा है, क्योंकि जब से सुने ना उसका तबीयत ख़राब हुआ, सारा दिन तो मेरे साथ ही खेलते रहता है, यहाँ पे खेलते रहते हैं, तो इसलिए अभी पता नहीं, अभी कल से मन कर रहा था देखने का, लेकिन जब तक, कल हम सोचे थे कि पूरा रात ब्लॉग बनाएंगे हम, तो पूरा रात जगे रहते हैं, पूरा रात जो हम जगेंगे क्या करेंगे सब शेयर करेंगे, लेकिन कल हुआ ही नहीं था, तो हम मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने सिस्टर फ़ोन की थी तो उसको हम बुलाए, बोल रहे थे कि मम्मम को लेके आओ, तो बोल रहे कि मम्मम दीदी अभी नहीं जाएगी, उसका तबीयत बहुत ख़राब है, लूज मोशन हो रहा है, और सही में वो कैसे बच्ची है, अब आएगी यहाँ पे और तबीयत ख़राब हो जाएगी, मम्मी के पास रहेगी तो हर बच्चा ठीक रहता है। तो वो बोली कि मम्मम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम दे के आएंगे, हम बोले ठीक है। अब बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, और जल्दी से ठीक हो जाए बस वो, और हमको एकदम बिल्कुल मूड बनाने का मूड ही नहीं है। तो जैसे कि हम कल बंद कर दिए थे बीच में ब्लॉक, तो उसलिए अभी बना रहे हैं, और अभी बना के क्लिप ऐड कर देंगे। तो आप लोग प्रे करो कि जल्दी से मम्मा ठीक हो जाए, फिर से आप लोग को वीडियो को देखने में, वीडियो में मिलेगा देखने को। गाइस यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, जो लोग न्यू हो कमेंट करना, प्यारा प्यारा शेयर करना दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे रखते हैं, फिर जल्दी से मम्मा को लेके आएंगे ब्लॉग पर। टाटा।